सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूत कर दी। कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हों। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो पर मरने के बाद शोध पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। आज का पंचांग 25 नवंबर 2021 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र शाम 6:49 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:34 से 2:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 25 नवंबर 2021 दिन गुरुवार, आज आप कल्पनात्मक रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे। अपनी मेल देख लें, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है और विश्वास रखना आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आज आपको कोई विशेष समाचार की प्राप्ति होगी जिससे मानसिक संतोष बना रहेगा। आप अपने कार्य को पूरी उत्साह से निपटाएंगे। इन संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। दी गई जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगे फिर भी परिणाम के डर की वजह से आपकी कार्य क्षमता पर बुरा असर नजर आ सकता है। जिन लोगों से आपको दुख और कटु अनुभव प्राप्त हुए हैं ऐसे लोग फिर से जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे और उन लोगों से सतर्क रहें। काम से संबंधित बातें अटकने से आपकी उलझने बढ़ सकती है। एक एक काम को निपटाने की कोशिश करें। फिलहाल लव रिलेशनशिप से दूर रहना ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पार्टनर्स पर भी नाराजगी बनी रह सकती है। खान पान संबंधित आदतों की वजह से नुकसान हो सकता है। सावधानियां, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस समय कलह तथा वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने में ही फायदा है। अपने गुस्से तथा वाणी पर नियंत्रण रखें। जमीन जायदाद संबंधित कोई भी कार्य स्थगित रखना ज़्यादा उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन सुमधुर रहेगा। घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा परंतु विवाहित संबंधों से दूरी बनाकर रखें। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रता ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करती थी। आज के दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तो बना ले। बात करते हैं करियर की। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा।
बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है, आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मजे और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और इंजॉय करें, आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आज का उपाय, आज अब गरीबों को केले का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।